अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है हम लोगों का सीरीज एक तरीके से स्टडी का, उसमें ये फिफ्थ वीडियो है। ठीक है, बाकी चार वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। पहला तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म था, जिसमें हम लोग डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बीच में जो डिफरेंस था उसको ब्रॉडली हम लोग कैटेगराइज करके देखे थे। बाकी जो रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। फिर दूसरा जो लेक्चर था वो थर्मोडाइनमिक्स पे था, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, बाकी सब चीज़ों पे था। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया था, एक तरीके से इंडिविजुअल जो बायोमॉलिक्यूल्स के उसके मेटाबॉलिज्म पे हम लोगों ने फोकस किया था। और थर्ड वीडियो जो है वो आपका उस पर बेस्ड था कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत सारे पाथवे एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद जो वीडियो था उस पर हम लोग ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट किए थे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो फर्स्ट हम लोग वीडियो देखते हैं, फर्स्ट जो स्टडी हम लोग करते हैं वो ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसको हमने बोला था कि हम लोग तीन फ्रैक्शन में डिवाइड किए हैं। पहला जो फ्रैक्शन है उस पर हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, जो कि लास्ट वीडियो है फोर्थ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किस सेल्स में ग्लाइकोलिसिस का मेजर रोल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस को ओवरऑल हम कितने फेज में डिवाइड किए हैं। थ्री फेज में डिवाइड किए हैं हम लोग, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और तीसरा जो था आपका पे ऑफ फेज। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने उसमें देख रखा था। प्लस ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर एरोबिक या एनोरोबिक जो होती है कंडीशंस वो क्या होती है, उसमें अगर ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो कैसे क्या चीज़ प्रोडक्ट बनता है, वो भी चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दे रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिटेल ग्लाइकोलिसिस का, किस तरीके से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या एक तरीके से ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में। ठीक है, तो इसमें जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है, फिर स्प्लिटिंग फेज होता है और पे ऑफ फेज होता है। तो स्प्लिटिंग फेज से हम लोग देखेंगे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज से देखेंगे, फिर स्प्लिटिंग फेज देखेंगे, फिर पे ऑफ फेज देखेंगे। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस से। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट करते हैं, प्लस कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस का, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया था कि ब्लड से ग्लूकोज जो होता है सेल के अंदर एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसका फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, देखो ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है, हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है हमने यहाँ पे। तो इसका जो फॉस्फोरिलेशन होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन, एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम लोग फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, बेसिकली एटीपी से ही आएगा। तो यहाँ पे एटीपी का ब्रेक डाउन होता है एडीपी प्लस पीआई में। ठीक है, और ये जो फॉस्फोरस होता है वो आपके जो कार्बन नंबर 6 पे, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ये फॉस्फोरस जाके एक तरीके से अटैच्ड होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये, अच्छा फॉस्फोरस को हम लोग क्या दिखाते हैं, PO4, और उस पर दो निगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है, देखो एक बीच में सेंटर में फॉस्फोरस होता है और चार ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन से अटैच होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल सिंगल, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि PO4 हमेशा निगेटिव इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक ATP यहाँ पे कंज्यूम की जा रही है। ठीक है, और जो एंजाइम हमने लिखा है, दो एंजाइम मैंने मेंशन किया है, ग्लूकोकाइनेस या हेक्सोकाइनेस। कोफैक्टर जो आपका है MG है प्लस प्लस, जो एक तरीके से इसको सपोर्ट करता है इस एंजाइम को। ठीक है, देखो कहीं भी अगर काइनेज की बात आएगी ना, तो काइनेज ये ध्यान रखिएगा, जहां भी काइनेज आ रहा है इट मींस इट हैज टू रिलेटेड विद ATP। ठीक है, वहां पे ATP का ब्रेकडाउन या यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, कोई भी एंजाइम काइनेज वाला आ जाए। ठीक है, तो एक दिमाग में आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं, काइनेज मींस ओके रिलेटेड विद ATP। दूसरी चीज MG वहां पे रहेगा ही रहेगा, क्लियर। तो ये की कॉन्सेप्ट है, दिमाग में इसको रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने दो चीज क्यों लिखा है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ठीक है, देखो
हेक्सोकाइनेज का मतलब हेक्सोज शुगर पे जो एक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक एक ब्रॉड टर्म है, मतलब बहुत सारे जो हेक्सोज शुगर है उस पर यह वर्क करेगा। ग्लूकोकाइनेज क्या है, एक तरीके से स्पेसिफिक टर्म है, ये सिर्फ ग्लूकोज पे ही वर्क करेगा। अब डिफरेंसेस तो इसमें बहुत सारे हैं, बट मेजर जो डिफरेंस होता है वो एफिनिटी को लेकर होता है। एफिनिटी इन द सेंस, इस ग्लूकोज से इनका इंट्रैक्शन कैसे होता है, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला हम हटा दे रहे हैं इस चीज़ को समझाने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज और अगर हेक्सोकाइनेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये ग्लूकोज पे ही स्पेशली एक्ट करेगा और ये हेक्सोजेस पे एक्ट करेगा, बट हमारे सेल में ज्यादातर ग्लूकोज ही रहता है तो इसलिए ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करेंगे। एफिनिटी जो होती है हेक्सोकाइनेज की वो ज्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एक्टिव तभी भी रहेगा, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है वो एक सर्टेन लेवल तक अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है तो ग्लूकोकाइनेज एक्टिव नहीं होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो ग्लूकोकाइनेज का है 10 मिलीमोलर और हेक्सोकाइनेज का 0.1 मिलीमोलर। मतलब समझ रहे हैं, अगर सेल में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोलर है और 10 मिलीमोलर से ज्यादा है तभी ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होगा, लेकिन हेक्सोकाइनेज के लिए क्या है, अगर 10 से कम भी है ना, कितना कम है 0.1 मिलीमोलर, तो भी एक तरीके से हेक्सोकाइनेज एक्टिव होगा। यानी कि हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी ज्यादा है, मोर एफिनिटी एफिनिटी टुवर्ड्स ग्लूकोज, जबकि इसकी लेस एज कंपेयर टू हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अब इसी चीज को आप लोग कैच करते हुए ये बता सकते हैं कि इन दोनों की लोकेशन कहां पे होगी। जैसे अगर हम ये पूछे कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज कहां पाया जाता होगा, तो पहले दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि हेक्सोकाइनेज तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है तो भी एक्टिव होगा, लेकिन जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तभी जाके ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होगा। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, कब बढ़ेगा, जब आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खाएंगे या ग्लूकोज इनटेक करेंगे, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, तो एक्सेसिव ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जब एक्सेसिव होता है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। यानी एक्सेसिव ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन बनेगा, यानी एक्सेसिव ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होगा। यानी ग्लूकोकाइनेज एक्टिव कब होगा, एक्सेसिव ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन में, ग्लाइकोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बताओ ग्लाइकोजन बनता कहाँ पे, लीवर मसल, यानी कि इसकी जो लोकेशन होगी ना आपके लीवर और मसल्स में देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक ऑर्गन जो है बॉडी का। बट हेक्सोकाइनेज जो है ना वो ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस पे मतलब देखने को मिलेगा। ये समझ में आया, तो दो चीज ध्यान रखिएगा, ग्लूकोकाइनेज के लिए ज्यादा ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, हेक्सोकाइनेज के लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। ग्लूकोकाइनेज बेसिकली बोल सकते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा और हेक्सोकाइनेज ज्यादातर आपके ग्लाइकोसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोसिस का, जिसमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, ये एक कॉमन स्टेप होता है सिर्फ ग्लाइकोसिस के लिए नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए भी और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संयंत्र के लिए भी। फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई तब इसको हम ग्लाइकोसिस में क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्टार्टिंग में एक हो गया है कि भाई ग्लाइकोसिस का एक पार्ट है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिस का पार्ट है, बट अगर आप एचएमपी शंट भी देखेंगे और वो भी देखेंगे तो उसका भी फर्स्ट स्टेप यही होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट स्टेप ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संयंत्र में भी। तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो कन्वर्जन होता है ना, एक तरीके से ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है कि वो रिवर्ट बैक ब्लड में ना हो सके। एनीवे
हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा, ग्लूकोज प्लेन है उस पर हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा, उसके कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फोरस ऐड करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, एक एटीपी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी ये चीज़ मैंने यहाँ पे मिटा दिया, एक्चुअली ये होगा यहाँ पे CHO है और ये होता है आपका CH2 OH, OH, H, OH, H। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था कि जो 6 कार्बन है वहाँ पे आपका फॉस्फोरस अटैच है। ठीक है, तो अब इसमें देखो आइसोमरेज एक्ट करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज एक्ट करेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, फर्स्ट वाली इरिवर्सिबल रिएक्शंस थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये इसको मूव कराया जाता है इस पर, बेसिकली क्या है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का है, तो एक तरीके से आइसोमर बनना है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा, इसको बोल सकते हो कि हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज बोलो या सिंपली आइसोमरेज बोलो, तो मैंने सिंपली आइसोमरेज रखा है, आइसोमरेज आप लिखिए यहाँ पे। और देखो ये क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 1 होता है इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है CH2OH में। ठीक है, देखो ये सब इतनी सब सारी नौटंकी क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि देखो ये जब CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगेन इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, फिर बीच से इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक सिक्वेंस में ये रिएक्शन चलता है ग्लाइकोलिसिस का। एनीवे, तो ये आइसोमरेज की हेल्प से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट किस में हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसमें चेंज क्या होता है, चेंज देखो कार्बन नंबर 1 और 2 है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 और 2 को लेकर होता है। इसीलिए जो ओसाजोन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो ओसाजोन टेस्ट 1 और 2 इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और चूंकि दोनों मॉडिफाई हो जाते हैं इसलिए ओसाजोन टेस्ट से हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों केस में क्रिस्टल एक ही जैसा बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ कार्बन नंबर 1 और 2 को लेकर होता है। ठीक है, तो अब देखो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगेन ये जो फर्स्ट वाला जो CH2OH है ना, इस पे एक फॉस्फोरस ऐड होगा, वो कहाँ से आएगा, डेफिनेटली एटीपी से आएगा, और एटीपी आएगा तो मैंने क्या बोला था वहाँ पे काइनेज हम लोग रखेंगे ही रखेंगे, काइनेज का मतलब रिलेटेड विथ एटीपी यूटिलाइजेशन, और काइनेज होगा तो Mg++ होगा ही, तो इसका नाम क्या हम लोग देते हैं, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। देखो ये फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज 1 होता है, दूसरा भी होता है, वो जब हम रेट लिमिटिंग स्टेप पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट वाले उसमें, सॉरी मतलब रेगुलेशन स्टेप, ठीक है, तो उसमें इस चीज़ को हम लोग डिटेल देखेंगे। बस अभी आप ये रखिए कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है और ये ग्लाइकोलिसिस का ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसको हम लोग रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि हाउ डज ग्लाइकोलिसिस रेगुलेटेड बाई दिस एंजाइम। इसके एक और फॉर्म है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, जिसको PFK भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्या बोलते हैं, PFK 1 एंड 2। तो इस चीज़ का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल क्या है, सिंपली कि ATP का ब्रेक डाउन कराता है और ये जो फॉस्फोरस है उसको किस पे करेगा, इस वाले पे CH2OH पे। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फोरस अटैच हो गया और कार्बन नंबर 6 पे तो है ही, तो उसका नाम फिर क्या पड़ जाएगा, अभी क्या था, फ्रक्टोज के 6 वाले पे फॉस्फोरस अटैच था, अब क्या हो गया, 1 और 6 दोनों पे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाई या डाई। डाई देखो हम तब यूज करते हैं ना जब दोनों चीज एक ही कार्बन पे अटैच होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस 2 कार्बन पे अटैच हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे, बिस बोलेंगे या बाई, BI। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, 1,6 बिस मतलब कार्बन नंबर 1 पे भी है और कार्बन नंबर 6 पे भी फॉस्फेट है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, चलो ये हो गया भाई यहाँ पे, और हमारा बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखो अब हम लोगों ने 2 स्टेप पे देखा कि ATP का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने तक का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह ATP इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
अब ये जो फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट है, ये देखेंगे कि एक कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फोरस अटैच है, 6 पे फॉस्फोरस अटैच है। अब इसका क्या होगा, 20 से स्प्लिटिंग होगी, इसलिए नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज। वहां पे जो एंजाइम होता है उसको हम लोग एल्डोलेज बोलते हैं, और एल्डोलेज के लिए जो कोफैक्टर होता है यानी उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग टीपीपी बोलते हैं, थियामिन पायरोफॉस्फेट। आगे चल के इसका बहुत नाम सुनेंगे, ठीक है, टीपीपी जो होता है। तो ये क्या होता है, 20 से तोड़ देता है। तो तोड़ने का मतलब क्या होगा, देखो ये जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल बना लेगा और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लेगा। तो अभी तक हम देख रहे थे कि ग्लाइकोसिस यहां तक एक ही स्टेज पे आ रही, एक ही स्टेप पे, बट यहां से जो ग्लाइकोसिस चलेगी वो दो बार चलेगी, ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पे दो ट्रायोज मॉलिक्यूल बनाता है। देखो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन देख लेते हैं, CH2O PO4 था, HOH ये, तो देखो ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाता है और यहां पे CHO हो जाएगा। देखेंगे तो आप यहां पे देखो क्या हो गया, CH2O, देखो ये क्या था, कार्बन नंबर आपका था 3 था, 4 अरे सॉरी ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था, और ये क्या था, 1 2 3 था, यही था ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये जब स्प्लिटिंग होगा तो ये बन जाएगा आपका यूसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, नीचे वाला जो पोर्शन है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चूंकि ये फॉस्फोरस इधर है तो इसको हम लोग लास्ट में थर्ड काउंट करने लगते हैं अपने जो ग्रुप है अटैचमेंट की वजह से, क्लियर। तो अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल बनते हैं तो ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड है वो आगे फर्दर कंटिन्यू होगा, बट ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी एक तरीके से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपली देखो इसको ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्यों बोलते हैं, देखो हम 4, 5, 6 तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं ना, लेकिन यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और वैसे इसका भी क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो आपका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसी को देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 3 पे तो रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये आपका CHOH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, यहाँ पे CHO हो जाएगा, सिंपली कन्वर्जन हो जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे एक जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल में, और इसमें 2 स्टेप हम लोगों ने देखा, पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और ये आपका था स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। 2 फेज अब कंप्लीट हो गए, अब जो तीसरा फेज यहां से स्टार्ट होगा वो आपका होगा आपका पे ऑफ फेज, ठीक है। तो इसको यहां पे हम ड्रॉ करते हैं पे ऑफ फेज, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पॉज कर दीजिए। तो ये जो पे ऑफ फेज होता है, ठीक है, तीसरा जो फेज है पे ऑफ फेज, इसमें हम लोग देखेंगे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और ये जो स्टार्ट होता है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, ठीक है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑल्सो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा कितना बनेगा, 2 बनेगा। और यहां से ये जो स्टेप है ना, ये जो चलेगा वो कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है और स्प्लिटिंग फेज होता है वहां तक तो एक ही बार होती है, लेकिन वहां से जो ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे चल रही है वो 2 बार होगी, इसलिए यहां पे जो भी चीज कंज्यूम हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 टाइम्स होगा, इस चीज को दिमाग में ध्यान में रखिएगा। चलो तो यहां पे देखते हैं कि जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहां पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, यानी कि इसका कहीं ना कहीं ये जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होता है वो कौन सा होता है, NADH होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं NADH इन्वॉल्व होगा, और ये जो होता है NAD+ जो होता है, जो एक तरीके से ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और NADH में कन्वर्ट होता है। आपको पता ही होगा कि ये NADH
फिर माइटोकांड्रिया के अंदर जाएगा और एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होकर एटीपी का जनरेशन देगा। एनीवे इसको हटाते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है, वो क्या होती है कि जो साइटोसोलिक फॉस्फोरस होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, वो क्या होता है, फॉस्फेट होता है, वो क्या होता है एक तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे होगा, ये जो मैंने इस पर नंबरिंग अगर कर दें, ग्रीन से कर देते हैं, ये हो गया 1, 2, 3, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फोरस आएगा PO4, वो कार्बन नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1 पे फॉस्फोरस अटैच हुआ, 3 पे ऑलरेडी था, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1, 3, दो कार्बन पे है तो डाई ना होके बिस हम बोलेंगे, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी ग्लिसरॉल है, उसके कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फोरस है और कार्बन नंबर 3 पे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1 और 3 दोनों पे फॉस्फेट है, ठीक है। अब देखो मैंने बायोएनर्जेटिक्स वाले लेक्चर में बोला था कि जहां भी एटीपी का प्रोडक्शन या ब्रेकडाउन होता है वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, लेकिन यहां पे देखो मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो यहां पे ये चीज देखिए कि यहां पे एक तरीके से, सॉरी, ये वाला नेक्स्ट स्टेप एटीपी बनेगा, तो ये एक तरीके से रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। ये भी स्टेप जो होता है एक तरीके से रिवर्सिबल होता है। अच्छा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में, आप याद रखिए कि जितने स्टेप होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं, 3 स्टेप को छोड़ के। कौन कौन से, देखो पहला जो स्टेप होता है जहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, दूसरा जो स्टेप होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, और तीसरा जो लास्ट स्टेप होगा जहां पे एटीपी बनेगा पाइरूवेट काइनेज का, यही 3 जो होते हैं ना इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सब रिवर्सिबल होते हैं, ठीक। चलो तो ये 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट जब बन जाता है, ठीक है, तो इस पे अगेन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक्ट करता है, और ये क्या करेगा, ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो फास्फोरस है इसको यूटिलाइज कर लेगा एटीपी बनाने में। तो यहां पे देखो एटीपी बन रहा है, तो कायदे से तो होना चाहिए ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, बट ये रिवर्सिबल है, ठीक है, एक तरीके से एक्सेप्शन की तरह है, आप इसको समझिएगा कि यहां पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है बट ये स्टेप रिवर्सिबल भी है। ज्यादातर केस में क्या होगा, जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन या कंज्यूम होगा वो स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते, बट कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें से एक ये भी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि 1 वाला जो फॉस्फेट था ये एक तरीके से यूटिलाइज हो जा रहा है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये CSIR का क्वेश्चन था कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा स्टेप है, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन का कौन सा स्टेप है जो स्किप किया जा सकता है, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस में, तो वो स्टेप यही होता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है ये स्टेप स्किप किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखो ये जो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट है इसके अलावा, ये जो ग्लाइकोलिसिस में चल रही है इसके अलावा एक साइड साइकिल चलती है जिसको हम लोग रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल बोलते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल। ये साइकिल होती क्या है, बेसिकली देखो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, तो ये जो 1 वाला है ये फॉस्फेट है, ये 2 पे आ जाएगा, तो क्या इसका नाम हो जाएगा फिर, 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट, या इसको 2,3-BPG बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और 2,3-bisphosphoglycerate पे एक अलग से वीडियो लेक्चर होना चाहिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली इस पे हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि 2,3-bisphosphoglycerate जो होता है ना जब हम लोग हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये बनना शुरू होता है, और इसका जो मेन रीजन क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ये चीज बनता है और मोर ऑक्सीजन को डिलीवर करने की कोशिश करता है टिश्यूज में, ठीक है। तो इस पे आप लोग पढ़िए अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो जब 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है ना, तो ये ग्लाइकोसिस का पार्ट नहीं होता है, ग्लाइकोसिस का अल्टरनेटिव एक साइकिल होती है जिसको रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल बोलते हैं, और 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट में स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि जो ये जो 2 वाला जो है ये क्या फॉस्फेटेज के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा विदाउट सिंथेसाइजिंग एनी ATP,
और ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी कि ये जो बीच वाला जो स्टेप है ना फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाला, ये वाला होता ही नहीं है, ठीक है, ये ना होके ये इस तरीके से होने लग जाएगा। और इसीलिए पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस में ये जो स्टेप है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाला, ये स्टेप स्किप हो सकता है। और कब होगा, जब जहाँ भी हम लोग हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं या ऑक्सीजन के डिफिशियंट वाला इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये स्टेप एक तरीके से हटेगा, 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। यानी 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट अगर बन रहा है तो डेफिनेटली ये स्टेप जो है स्किप हो जाएगा। एनीवे ये एडिशनल था, जिन्होंने समझ गए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं समझोगे भाई उनके लिए ये चीज़ नहीं रही होगी, बट इसको पढ़िएगा जरूर, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एटीपी बना फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के थ्रू और ये कन्वर्ट हो गया थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में। अब देखो पे ऑफ फेज हो रहा है, यहाँ पे एक एटीपी बना ही बना। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ग्लिसरेडाइड थ्री फॉस्फेट दो बना था, तो ये भी स्टेप दो बार होगा, यानी कि दोनों को चलाने में यहाँ पे दो एटीपी बनेगी और ये सभी चीजें दो दो बार होंगी। अब देखो ये जो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, इसमें सिंपली क्या होगा, म्यूटेज एक्ट करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और ये जो थ्री पे है आपका फॉस्फेट जो है, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू पे, यहाँ पे देखो टू पे हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टू फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी प्रोसेस क्या होगी, एक तरीके से रिवर्सिबल होगी, तो इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखो ये जो टू फॉस्फोग्लिसरेट है, ये अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ वाला जो है, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा और ये जो OH है और H दोनों वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये बाहर रिलीज होगा, एंजाइम होगा आपका एनोलेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, देखेंगे C डबल O CH2 है, ये आपका फॉस्फोरस अटैच है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ठीक है, इस पे सिंपली क्या होता है कि पाइरुवेट काइनेज एक्ट करता है और ये जो आपका फॉस्फेट होता है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है एटीपी बनाने में। देखो पाइरुवेट काइनेज भी एक रेगुलेटरी स्टेप होता है। रेगुलेटरी स्टेप कौन कौन से हो गए, एक तो आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को जो मैंने मेजर बोला था, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज वाला भी स्टेप होगा और तीसरा ये स्टेप होता है। तीनों स्टेप को हम लोग देखेंगे किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है पाइरुवेट काइनेज और ये स्टेप इरिवर्सिबल होता है। तो तीन स्टेप इरिवर्सिबल हो गए, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज वाला एक, दूसरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और तीसरा यह पाइरुवेट काइनेज। दो वाले में एटीपी इन्वॉल्व हुआ था, इस वाले में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये पाइरुवेट काइनेज एक्ट करेगा और ये आपका एटीपी के फॉर्म में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा OH। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका पाइरुवेट, चूंकि ये इनॉल फॉर्म है, मतलब ये OH है, दैट्स वाई वी कॉल इट इनॉल फॉर्म, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे मूव कर जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरीके से देखेंगे कि कीटो फॉर्म का जो पाइरुवेट होता है वो स्पॉन्टेनियसली बनता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ से देखेंगे कि ग्लूकोज से अगर ये बनना है तो दो मॉलिक्यूल बनता है, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट का। और इस तरीके से देखते हैं कि ग्लूकोज दो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चीज़ें हुई क्या हैं, कैसे हुई हैं। पहला चीज देखो, ग्लूकोज कितना था, एक ग्लूकोज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसमें कितना लगा, दो एटीपी लगा, दो एडीपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये बना 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये स्प्लिटिंग होती है इसके बाद, ठीक है, इनोलाइज एक्ट करता है और ये आपका बनता है यहाँ पे, वो रिव्यू जो था, ये ग्लिसरेडाइड थ्री फॉस्फेट बना और यहाँ पे क्या बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट। तो ये एक मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल बना। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इतनी प्रोसेस होती है वो एक बार होगी, बट यहाँ से प्रोसेस कितनी होगी, दो दो बार होगी, क्योंकि ये अगेन इसमें कन्वर्ट होता है और फिर ये दो ग्लिसरेलाइड फॉस्फेट थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रोसेस होती है वो दो बार होती है। तो यहाँ से देखते हैं कि चीज़ें क्या होगी। देखो यूटिलाइजेशन कितना हुआ, दो ATP यूटिलाइज हुआ, क्या हो गया यूटिलाइज, तो इसको निगेटिव हम दिखा लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि एक स्टेप में एक ATP बन रहा था, एक स्टेप में ATP बन रहा था, तो टोटल दो स्टेप में एक एक ATP बन रहे थे। चूंकि दो बार दोनों स्टेप होंगे इसलिए टोटल ATP कितने बनेंगे, चार ATP बनेंगे, पे ऑफ फेज में बना था। और एक स्टेप में हमने देखा कि NADH बन रहा था, तो चूंकि वो दो बार होगा तो हमारा कितना बनेगा, दो NADH बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल इसकी एनर्जेटिक्स है कि आपका जो आउटकम बना, आउटकम मिला वो क्या मिला, और इसके साथ क्या हुआ, दो पाइरूवेट भी मिला हमको, ठीक है। तो अगर इसको इससे हम माइनस कर दें तो नेट गेन क्या हुआ, नेट गेन जो हमको मिला ओवरऑल वो दो पाइरूवेट मिला, दो ATP मिला और दो NADH मिला, ठीक है। ये हमको ओवरऑल बेनिफिट्स होता है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस से। अब ये जो पाइरूवेट है वो माइटोकांड्रिया के अंदर एंट्री करता है और तब जाके उसका कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोए में, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे फर्दर जो भी प्रोसेस है। और जो NADH है ये भी माइटोकांड्रिया के अंदर जाता है, ठीक है। और माइटोकांड्रिया के अंदर जाने के लिए उसके पास दो शटल पाथवे होते हैं, उसको हम डिटेल अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये आज तो रहा ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्शंस के ओवरव्यू थे, जिसमें हम लोग एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और उसके बाद स्प्लिटिंग फेज और पे ऑफ फेज हमने देखा, और इसका फायदे जो हम लोगों ने देखा वो चीज़ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे रेगुलेटरी जो स्टेप तीन होते हैं, आपका ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, दूसरा आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरूवेट काइनेज, तीनों का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, कौन से मॉलिक्यूल या कौन से जो फैक्टर्स हैं इसको इंड्यूस करते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको इनहिबिट करते हैं, और इसके अलावा कुछ हम लोग इसके इनहिबिटर्स भी देखेंगे कि कौन कौन से ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिटर्स होते हैं, तब जाके हमारा ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सर्कुलेट करिए, क्योंकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो इससे, ठीक है। और हमारा चैनल भी इस तरीके से फूले फले अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।